क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सबका एक ही मेथड, नॉन ट्रिवियल कितने सारे केस हम लोग कर चुके हैं पहले। नॉन ट्रिवियल में बताया डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 कर देते हैं, डिटरमिनेंट इसका डायरेक्ट लिखते हैं, इसकी वैल्यू 0 करनी हमको नॉन ट्रिवियल के लिए। यहां पर लिख देता हूं डी इक्वल टू 0। क्या क्या हमारे पास है, 137, दूसरा है -147 और थर्ड इज साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 और दिस इक्वल टू 0। अब मैंने बोला ना यहां पर हमको नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने हैं, तो दिख रहा है साफ साफ 1 माइनस 1 प्लस करेंगे तो 0। तो हमने क्या कर लिया, R1 में R1 प्लस R2, और जैसे ही R1 में R1 प्लस R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 और 3 7 और 7 और 7 14 माइनस 1 4 7 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2। अब यहां पर मुझे 7 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहीं से मैं 7 यहीं पे डायरेक्ट बाहर ले लेता हूं और इस 7 को कर देता हूं 1 और इस 7 टू जा क्या कर देता हूं 14। अब यहां पर एक्सपेंड कर देता हूं, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो ये तो गया माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा 0 गया, माइनस 1 के साथ ये आएगा, ये गया और ये गया माइनस 2 और माइनस 7 साइन 3 थीटा और प्लस 2 के साथ क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस 4 साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और माइनस 4 साइन 3 थीटा, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये इक्वल टू 0 चल रहा है तो 7 को भी 0 के अपॉन में भेज दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्लस 7 साइन 3 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और माइनस 8 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन 8 और साइन को इसको एक साथ ले लेते हैं तो 2 7 साइन 3 थीटा और 8 साइन 3 थीटा तो माइनस साइन 3 थीटा और माइनस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब यहां पर इसको हम थीटा के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमें पता है साइन थीटा के टर्म में और इसकी वैल्यू भी पता है तो 2 माइनस साइन 3 थीटा का हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, 2 और 2 कट हो गया और ये वैल्यू आ गई 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 यहां से नहीं साइन थीटा यहां से हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ऊपर नोट कर देता हूं, ये इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो थीटा इक्वल टू 0, लेकिन ये तो थीटा ओपन इंटरवल में है 0 पे तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 को गायब कर देते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करते हैं कि 4 आ जाए तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 4, तो थीटा की वैल्यू 0 तो आई लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ क्या बोला मैंने 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर करते हैं तो 6 माइनस 2 तो 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से मैंने कॉमन ले लिया यहां से 2 साइन थीटा तो 2 साइन थीटा प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई और माइनस 3/2 आ गई, 0 तो पहले से ही कैंसिल हो चुकी है क्योंकि 0 तो पॉसिबल नहीं है, माइनस 3/2 भी पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 0 से
पाई के बीच में हमको देखना है, तो जीरो से पाई के बीच में हमारे दो जगह साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, एक यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे टू सोल्यूशन आंसर आ जाएगा, हमारा टू सोल्यूशन। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 30 भी होगी और एक 180-30 भी होगी, साइन 31/2, तो टू सोल्यूशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें लेकिन कर सकते हैं इजीली। ओके।